नमस्कार आप सभी को। मैं संदीप कुमार, विश्व योग भारती श्री गंगानगर से। आज जब पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, उस समय जब सब अपने घरों में हैं, तो इसे विकट समय में भी प्रज्ञा योग अलायंस के आदरणीय कपिल देव जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत, मैं समझता हूँ कि इस समय कर रखी है, जो अलग अलग विषयों को लेकर के और मूर्धन्य जन विद्वजन एक विषय को लेकर के आपके समक्ष यहाँ आते हैं। मैं भी आज इसी कड़ी में एक विषय आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, और वो विषय ऐसा है जिस पर हम सब टिके हुए हैं। जी हाँ, वो जैसा नाम ही है, प्राण शक्ति, यानी प्राण चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के ऊपर मैं कुछ बातचीत आपके समक्ष रखूँगा। तो एक बार मेरी अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो कोई कमेंट कर आ रही है, ताकि मैं इस विषय पर और आगे बढ़ूँ। शायद आवाज पहुंच रही है या ऐसा। प्रणाम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आवाज आ रही है तो एक बार अपना कोई कमेंट उस पर डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़े व्यवधान के लिए। जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जिस पर अभ्यास किया है, वो अनुभव, वो चीज़ें मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। प्राण चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, इस विषय को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम जानें प्राण क्या है। जन सामान्य में लगभग हम सभी कहते हैं कि जब तक प्राण है तब तक मनुष्य है, यानी प्राण को हमारी जीवनी शक्ति के रूप में हम पहचान रहे हैं। और यह प्राण, अगर ऋग्वेद में हम जाएं, प्राणवे राजा, अर्थात राजा कौन है? वो प्राण है। अब प्राण को जनसामान्य की भाषा में हम सब समझते हैं, लेकिन चूंकि हम सब योग विषय से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं व्यवहारिक पक्ष को लेते हुए इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा कि प्राण जो है वो एक ऐसा घटक है, बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम इस सृष्टि में मानते हैं कि पांच तत्व हैं, पांचों तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, और इन पांचों अग्नि, पांचों तत्वों में सब तत्व हमारे भी शरीर में अगर अनुपात में हैं, ठीक प्रकार से हैं, तो हम
एक तरह से निरोगी रहते हैं। लेकिन इसी में एक तत्व ऐसा है, एक घटक ऐसा है कि वो घटक यदि एक क्षण भी हमारे भीतर न हो तो हम निष्प्राण हो जाते हैं। और ये निष्प्राण शब्द ही दर्शाता है कि प्राण क्या है। बिना अन्न खाए बहुत सारे विद्वजन, बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। बिना जल पिए भी लोग उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, रहते हैं। वायु तत्व भी ऐसा है कि उसको भी बहुत देर तक लोगों ने कुंभक के नाते अभ्यास किया है। लेकिन प्राण एक ऐसा तत्व है, ऐसा घटक है जो एक क्षण मात्र भी अपने बिना नहीं रह जा सकता। और इस प्राण तत्व को पहचान कर, इस प्राण तत्व को संरक्षित कर, इसका अभिवर्धन कर, किस प्रकार हम शरीर में इसको देख पाते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवित रहने के लिए उसमें एक ऐसी शक्ति होती है, जीवनी शक्ति जिसको हम कहेंगे, सामान्य भाषा में प्राण शक्ति को जीवनी शक्ति भी कहा जा सकता है, कि किसी न किसी प्रकार वो अभिवर्धन होती रहे, उसका कभी क्षय नहीं हो। भौतिक के अनुसार एक उसको हम ऊर्जा का स्वरूप भी मान सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऊर्जा कभी न तो घटती है, ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है और न कभी निर्मित होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऐसे ही वही उसी को ऊर्जा को हम शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में मान सकते हैं। और प्राण चिकित्सा इसी प्राण शक्ति को पहचान करके और ठीक करना, इसी का नाम है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो हमारा जो शरीर है वो कई चक्रों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे अनेक चक्र होते हैं योग दर्शन में, जिसको अपने षट चक्र कहा गया है। लेकिन इन चक्रों को नियंत्रित करने की शक्ति वही प्राण शक्ति है। प्रत्येक चक्र जो होता है वो उस क्षेत्र के अंग अवयवों को नियंत्रित करता है। जैसे मूलाधार, फिर मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन चक्रों के कारण से हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा ठीक प्रकार से नियंत्रित रहती है। और आधुनिक समय में जब प्राचीन काल से इस विधा का, प्राण चिकित्सा का उपयोग होता रहा है, तो अभी फिलीपींस के मास्टर चोक ओक्सुई, जिन्हें आधुनिक जगत के प्राण चिकित्सक के रूप में हम मान सकते हैं, उन्होंने ये 11 चक्र निर्देशित किए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, जिन पर वह प्राण शक्ति केंद्रित रहती है। और इस शक्ति को पहचान करके किसी भी व्यक्ति को हम ठीक प्रकार से समझ करके उसका उपचार कर सकते हैं। अब आते हैं चिकित्सा पर। तो चिकित्सा किस लिए की जाती है? चिकित्सा जब किसी न किसी प्रकार का रोग हो तब की जाती है। और यह रोग सामान्य भाषा में जो अन्य सिद्धांत है उसमें कहा शरीर पर, लेकिन योग में हम कहते हैं एक तो स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। अब जब सूक्ष्म शरीर है उस पर रोग पहुंचता है जब बहुत जटिलता उसकी होती है। और इस जटिल स्वरूप में, इस कठिन स्वरूप में पहले वह अपने स्थूल शरीर पर और फिर सूक्ष्म शरीर पर ऐसी गहराई से बैठ जाता है जिसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस प्राण चिकित्सा से हम सूक्ष्म शरीर पर जो विकार हैं, सूक्ष्म शरीर पर जो रोग एकदम जमे हुए हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। यह जानने में अटपटा लगता है कि जो जन्मों जन्मों के, जिनको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे हैं, तो बहुत जीर्ण रोग जिनको दीर्घ रोग कहा जाता है, ऐसे सब रोगों की चिकित्सा इस प्राण चिकित्सा से की जा सकती है। अब ये प्राण चिकित्सा का सामान्य व्यवहारिक रूप कैसा है वो हमको देखना है।
प्राण चिकित्सा में तीन चार बातें ध्यान में रखने वाली है। पहली बात तो ये कि जो प्राण चिकित्सा करता है, उपचारक है, उसकी स्वयं की प्राण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, अर्थात उसका खुद का अभ्यास ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुद का अभ्यास होगा तभी वह प्राण चिकित्सा किसी की कर पाएगा। अब इसके लिए जबकि कोई रोगी है जिनका हमको उपचार करना है, उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है वह जांची जाती है। वह जांचना कैसे होता है, वह क्योंकि प्राण शक्ति में बहुत कुछ उपकरण को आवश्यकता नहीं रहती। प्राण एक भाव शक्ति है, विचार शक्ति है, और जिस प्रकार हम वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु बहुत आसानी से थोड़ा सा श्रम करने से हमको प्राप्त हो रही है। अभी जैसे पंखा चल रहा है तो वायु प्राप्त हो रही है, बाहर कहीं भी हम देखेंगे बहुत जगह व्यापक है, सर्वत्र है। और प्राण शक्ति भी ऐसी है, बहुत अपार है, उसको लेने वाला चाहिए और वह ध्यान से, एकाग्रता से, विचारों से और भावों की गहराई तक उतरने तक, तब जा करके उस शक्ति को हम संग्रहित कर सकते हैं। और इसके लिए जब उपचार करना हो तो उसके सूक्ष्म शरीर को, जैसे कहते हैं इमेजिन करना, सूक्ष्म शरीर को देखा जाता है, उसके चक्रों को जांचा जाता है, चक्रों को जांच करके और उन चक्रों में कहाँ व्यवधान आ रहा है। क्योंकि सामान्यतः क्या है कि एक आभा मंडल प्रत्येक जड़ चेतन जीव का रहता है, जिसको हम ओरा कहते हैं। हमने ईश्वर की या किसी देवी देवताओं की फोटो देखी होगी, उनके पीछे एक आभा मंडल रहता है, वह आभा मंडल ही उस प्राण शक्ति का द्योतक है। और प्रत्येक शरीर पर, प्रत्येक जगह पर वह 2 इंच से लेकर के 6 इंच तक व्यापक रूप से हो सकता है। उस व्यापकता को हमने जांचना है और जांचने से पता चलता है कि कहीं अगर वो आभा मंडल कटा फटा है तो उसकी पूर्ति वहाँ पर की जा सके। और उसके सामान्य से 6-7 अपने, ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में सबसे पहले उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर की उस प्राण शक्ति को हम जांचते हैं, कैसी है वो, कहाँ पर दिक्कत है। और जब हम जांच लेते हैं तो जांचने से उसमें अपने हाथों से, जिनको हम सक्रिय करते हैं उपचार करने के लिए, हम अपने केंद्रों को सक्रिय करते हैं और फिर दूसरे जो सामने जिसका उपचार करना है उसको हम बुहारते हैं। बुहारना यानी उसका मार्जन करना, यानी उसमें अगर कहीं दिक्कत है, कोई कमी है तो उसका मार्जन करते हैं। मार्जन करने के लिए पहले अंगुली बंद करके मार्जन करते हैं और उसके बाद में फिर पूरा अंगुली खोल करके, और फिर जैसे हम कहीं कोई मकड़ी के जाले जैसे होते हैं, उन जालों को साफ करते हैं, ठीक वैसा ही भाव करना कि हम इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हम कहेंगे जो विकार है, जो कहीं कटा फटा जो आभा मंडल है, उसको हम ठीक करना है। और उसका मार्जन करने के बाद में और उसके पर्टिकुलर चक्र पर, मान लीजिए किसी को पाचन संबंधी दिक्कत है, पाचन संबंधी दिक्कत होगी तो उसके मणिपुर चक्र को हम बहुत गहराई से देखेंगे, क्योंकि मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा है वो उसके पाचन तंत्र को ठीक करती है। ऐसे मूलाधार चक्र की ऊर्जा अपने जनन तंत्र को ठीक करती है। ऐसे विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मस्तिष्क से लेकर प्रत्येक अंग अवयव के लिए एक प्रत्येक चक्र जो है उत्तरदायित्व रहता है। अब मार्जन करने के बाद में हमने जांच लिया कि यहाँ पर एनर्जी की कमी है। अब उस एनर्जी को, उस प्राण तत्व को हम, अनेक विधियाँ हैं, किसी किसी विधि में केवल भाव से ही तो हम, जैसे ये हाथ हमने यहाँ किया अपना बायां हाथ, कि उस ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से, इस ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और उस पर जो चक्र हमारा हमने जांचा है, उस चक्र पर ऊर्जा को प्रक्षेपित कर रहे हैं, उस पर वह प्राण शक्ति प्रवाह डाल रहे हैं। और उसको डाल करके हम यह तय करें कि उस चक्र को हमने ठीक किया है, और ठीक करने के बाद में और फिर उसको स्थायित्व दिया, हमने उसका स्थिरीकरण किया, हमने जो ऊर्जा, देखिए इसमें
मास्टर कोकसुई जी का कहना है कि हम केवल मीडियम है, वो ऊर्जा हम कॉस्मिक से लेते हैं और वह सामने उपचार जिसका हम कर रहे हैं उसमें प्रक्षेपित कर देते हैं। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि हम मीडियम होने के साथ साथ, माध्यम होने के साथ साथ, हम स्वयं की प्राण शक्ति पहले उसमें डालते हैं, स्वयं की जीवनी शक्ति से उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया करने से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रक्रिया करने से पहले हम स्वयं की जीवनी शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाएं, तब जा करके और इस शक्ति को हम पहचान पाएंगे। अब यह जब जीवनी शक्ति हम उसे प्रक्षेपित करते हैं तो उसका स्थायित्व करते हैं, स्थायित्व करने के बाद में उसका और हमारा जो आपसी संयोग है उसको हम अलग कर देते हैं, विलग कर देते हैं, ताकि वह फ्लो जितना आवश्यकता है उतना जाए। और इस प्रकार ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया, बताते बताते तो ठीक है ये हो रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है, इसको और अधिक गहराई तक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राण चिकित्सा प्राण की चिकित्सा है या प्राण शक्ति को बढ़ाने की चिकित्सा है। और प्राण, हम कहें कि प्राण शक्ति केवल बोलने मात्र से नहीं, उसका अनुभव किया जाता है, उसको हमने अपने भीतर अभ्यास से, ध्यान से निरंतर एक, अब उसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान करना, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी आदतें कैसी हो, हमारा स्वाध्याय कैसा हो, ये सब चीज़ें उनमें बहुत अच्छे से काम में आती है। एक प्राण चिकित्सक को ध्यान रखने वाली बातें क्या है, कभी भी सामने वाले मरीज का मनोबल कमज़ोर नहीं करना, उसका मनोबल बढ़ाना है, उसको एक बहुत अच्छा उत्साह प्रदान करना है कि आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप ठीक हो रहे हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं करनी है। और इसके साथ साथ में यह तो ही सामने वाले उपचार की बात। अब बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि स्वयं की चिकित्सा भी करनी पड़ती है, तो एक प्राण चिकित्सक स्वयं की चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको आवश्यकता है अपने चक्रों की स्थिति को, अपने आभा मंडल को जांचने का तरीका और इस पर काम करने का तरीका। प्राण चिकित्सा में एक चीज और आती है, वह है दूरस्थ चिकित्सा। दूरस्थ चिकित्सा का अर्थ क्या हुआ कि मरीज जो है, वो जो रोगी है, वो हमारे सामने नहीं है लेकिन बहुत दूर है, तो भी उसकी चिकित्सा की जा सकती है, क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर को हम अपने सामने एक तरह से इमेजिन करते हैं और उस इमेजिन करने के बाद, जांचने के बाद, उस पर प्राण शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ये बात जो हम कह रहे हैं, ये चिकित्सा, ये आध्यात्मिक पक्ष की चिकित्सा है, इसलिए जनसामान्य इस पर भले ही विश्वास कम करे, लेकिन जो योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो समस्त साधक, वो समस्त अभ्यासी इस पर बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ, ये बहुत पुराने काल से चली आ रही, छोटा सा बालक जिसके कोई चोट लग जाती है, जैसे ही चोट लगती है वो दौड़ करके जाता है अपनी माँ के पास और माँ थोड़ा सा उसको पुचकार देती है, इतने में वो ठीक हो जाता है। क्या? क्योंकि माँ और उस बेटे का आपस का जो भाव है वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और जब वह जुड़ा हुआ है उसके कारण से उनमें एक बहुत संबंध, आत्मीय संबंध, एक प्राण का प्रवाह, आदान प्रदान चलता है, इस कारण से वो ठीक होता है। अब इसके अलावा प्राण शक्ति का प्रवाह का एक उदाहरण और बताता हूँ, उसके बाद हम एक्यूप्रेशर की ओर चलेंगे। प्राण शक्ति में हम बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद लेते हैं तो उनमें जो शक्ति है, उनमें जो एक चेतना है, वह भी उस आशीर्वाद के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो इन पर अभी इस विषय पर बहुत अधिक गहराई तक अध्ययन करने की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है, और मैं सोचता हूँ कि हम योग क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग इस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अब थोड़ा थोड़ा इसको व्यवहार में भी हम ला सकते हैं। अब आते हैं एक्यूप्रेशर विषय पर। अब एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर बहुत ही प्राचीन भारतीय पद्धति है जो कालांतर में यहाँ से बाहर गई और बहुत अच्छे रूप में परिवर्तित होकर के वापिस भारत में लौटी। एक्यू प्लस प्रेशर,
एक्यू का अर्थ होता है बिंदु और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव देना, यानी कुछ निर्धारित ऐसे बिंदुओं पर दबाव देना जिनके कारण से वह बिंदु एक्टिव हो और उस एक्टिवनेस से पूरी बॉडी में जिससे वो बिंदु संबंधित है वो ठीक हो। अब इसमें प्राण शक्ति क्या है, तो वो बिंदु जो होते हैं वो जो भीतर अपने सूक्ष्म शरीर के इस स्थूल शरीर के जो ऊर्जा प्रवाह है उन ऊर्जा प्रवाहों के अवरोध को दूर करता है, और जब अवरोध ऊर्जा में आता है ऊर्जा के प्रवाह में आता है उस अवरोध को एक्यूप्रेशर से हाथ से भी प्रेशर दिया जा सकता है, आजकल जिसको हम कहते हैं जिम्मी से भी दिया जा सकता है। तो वह अवरोध दूर करना वह हमारा इस एक्यूप्रेशर का मूल सिद्धांत है। इसमें उस ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अभ्यास हम आपको मोटा मोटा मैं बताऊंगा कि वैसे तो हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि वो अपने आप शरीर को ठीक करने में माहिर हैं। कोई भी यंत्र है, कोई भी और कोई वस्तु है, मशीन है, वो अपने आप खुद को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हमारा शरीर ऐसा है कि इसकी जीवनी शक्ति स्वतः स्फूर्त ठीक करने वाली होती है। कोई भी हम बाहर की चीज़ें लेते हैं, भले ही वो दवा लेते हैं, तो वो उत्प्रेरणा का काम करती है, घटक हमारे भीतर है स्वयं को ठीक करने का। और एक्यूप्रेशर बहुत आसान और मैं कहता हूँ एक चमत्कारी उपचार है, जिसको अगर हमने सीख लिया तो केवल हम नहीं हमारे आसपास जितने भी हैं वो सब उससे ठीक होने वाले हैं। जैसे एक्यूप्रेशर के लिए दबाव देने के लिए बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, अपने हाथ और पाँव पर वो एक्यूप्रेशर के बिंदु होते हैं। हाथ और पाँव पर उनको हमने ठीक प्रकार से समझना है। सामान्य एक्यूप्रेशर में भी तीन चार जैसे अपने अलग अलग प्रकार इसके आए हैं, जिसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, सुजोग कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सुजोग के बारे में इसके कुछ एक बिंदु बताऊंगा जो सामान्य हमारे अभ्यास के हम बताएं दूसरों को। ये हाथ है हमारे सामने, अब इस हाथ में किस प्रकार हमारे एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं वो हमको देखने हैं। जैसे ये अंगूठा, अंगूठे में इस अंगूठे को हमने गर्दन मान, यहाँ गर्दन और ये सिर, अगर ये हमने निरूपित किया ये गर्दन है और ये हमारा सिर है, और यही अंगूठा जब यहाँ हम इसको इमेजिन करते हैं तो इसके बाद में ये हमारे गर्दन, गर्दन के नीचे का हिस्सा हमारी ग्रास नली, हमारी इसोफेगस, ग्रास नली के बाद में फिर हमारा आमाशय, आमाशय, आमाशय के बाद में फिर हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत के चारों ओर बड़ी आंत, यहीं पर हमारा गोल ब्लेडर, और इधर ये इमेजिन करना ये हमको देखना है, और यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के बाद में फिर रेक्टम। अब हमारे हाथ और पांव कौन से, तो जो दोनों अंगुलियां बीच की हैं वो हमारे पांव और ये दोनों हाथ। ये पूरे शरीर को हमने मोटे मोटे रूप से परिभाषित किया कि इस प्रकार एक्यूप्रेशर का ये प्रभाव है। अब जब ये गर्दन है तो मान लीजिए किसी के बहुत जकड़न आई, यहाँ पर गर्दन में सर्वाइकल की कुछ एकदम से दिक्कत हुई जिसका हम कहते हैं मोच आना, मोच आई, तो उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट कौन सा हुआ, यहाँ पर हमने ये जो गर्दन है गर्दन के पीछे दबाव दिया। अब दबाव देने में ये अंगूठे का दबाव ये पूरा क्लॉकवाइज, तो हमने ये दबाव दिया तो इसके बाद में इसका बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर होता है, क्योंकि ये जो मेरिडियंस हैं ये जो बिंदु हैं वो अपने पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए हैं। तो अब ये तो पूरे हाथ की संरचना हुई, इस पर पूरे मनुष्य के शरीर को हमने देख लिया, लेकिन इसके साथ साथ अब जब यह कब काम में आता है, जब रोग हमारा केवल 10-15 दिन हुए हों किसी दिक्कत को किसी विकार को, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया, लेकिन रोग बहुत पुराना हो, साल दो साल पुराना हो, तो हमारी जो पहली अंगुली है इसी अंगुली को पूरे शरीर माना जाता है। पूरा शरीर जब इसको मानते हैं तो इसमें कहाँ कहाँ क्या कल्पना करनी है, तो ये हमारी गर्दन, और गर्दन के ऊपर ये हमारा पूरा चेहरा, यहाँ हमारी आँखें, नाक, कान, मुंह, ठीक है, और इसके बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारा हृदय, बाईं तरफ जो रहेगा वो हृदय रहेगा, और फिर हमारे फेफड़े,
और फेफड़ों के बाद में फिर वही बाहर बड़ी आंत, भीतर बीच में छोटी आंत, फिर रेक्टम। और अब इसके हाथ और पांव, यानी ये जो जहाँ गर्दन है उसके दोनों तरफ हाथों की कल्पना, और हाथों की कल्पना के साथ साथ यहाँ पर पांव की कल्पना। अब हाथ और पांव इस पर, ये कब? जब हमारा जो रोग है, जो विकार है, वो साल दो साल पुराना हो तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीर्ण रोग होते हैं जिनको दीर्घ रोग, जो बहुत पुराने होते हैं, और इन पुराने रोगों को दूर करने के लिए फिर एक कल्पना और की गई है, वो है एकदम यहाँ पर, यानी पूरा शरीर केवल हमारे एक पोर पर मानना। इसको जब हम मानते हैं तो मान करके इसमें वही स्थिति, हमारा सिर पूरा, हमारा पेट ये, और फिर यही हाथ और पांव की कल्पना। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि हम केवल एक कोशिका को उपचारित करके एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब इन पर निरंतर दबाव हमारा बना रहे, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैग्नेट काम में लेते हैं, कोई न कोई अलग अलग दाल, या जैसे चने की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, चने का बीज को, उनको हम काम में लेते हैं ताकि लगातार उन पर प्रेशर बना रहे। हम घर पर हैं, सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एकदम से हमारे कमर में दर्द हुआ, तो जिस प्रकार हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि आगे का जो हिस्सा है, ऐसे ही हमारे पूरे गर्दन के मन के यहाँ पर, और उसके बाद में रीढ़ की हड्डी जो है वो मोटे मोटे रूप में यहाँ पर, पूरा हमारा जो एकदम टेल बोन जो है वो एकदम से नीचे, और उसके ऊपर पूरी संरचना। और जैसे शरीर के पीछे हमारी किडनियाँ रहती हैं, ठीक वैसे ही आगे जब हमारा ये बड़ी आंत छोटी आंत यहाँ पर है, ठीक इनके पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये किडनियों को हमने मान लिया। अब ऐसे ही जब हम ये बाएं हाथ को लेकर के चलते हैं, तो बाएं हाथ में ये हमारी गर्दन, गर्दन के नीचे हृदय, हृदय और दोनों फेफड़े, फेफड़ों का और लीवर इस दिशा में। अब जब कमर की कोई दिक्कत आए, कमर की दिक्कत आए तो हम कहाँ प्रेशर देंगे? सीधी सी बात है कि यहाँ पर, अगर जहाँ जो जिस जगह पर दर्द हो, जिस जगह पर ऊर्जा का अवरोध हो, उस ऊर्जा को अवरोध को दूर करने के लिए हम यहाँ पर, यानी जिस मनके पर दिक्कत है उसी मनके के सीध में हम प्रेशर देंगे। और कितना प्रेशर देना? लगभग 15 बार एक एक दो दो सेकंड का हम प्रेशर देंगे तब जा करके। और यहाँ इसकी एक क्या हम समझ कैसे पाएंगे कि वही पर्टिकुलर बिंदु है? तो एक्यूप्रेशर का सिद्धांत ये कहता है कि जिस एक्यू पॉइंट पर आपको दर्द महसूस होता हो, जिस एक्यू पॉइंट पर आपको दर्द महसूस होता हो, वह दर्द उस दर्द से संबंधित है जो आपके कहीं ना कहीं हो रहा हो। जैसे घुटनों की दिक्कत आई, मतलब घुटनों में दिक्कत है, अपने दाएं पांव के घुटने में दिक्कत है, तो हम इस प्रकार कहाँ ढूंढेंगे उसको? तो ये दायां पांव। अब दाएं पांव के घुटने में दिक्कत है तो यहाँ पर हम प्रेशर देकर देखेंगे और सीखेंगे कि हाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है। जहाँ दर्द अनुभव हुआ वहाँ उस बिंदु को हमने पूरा, अब उसको दबाव देना शुरू किया। तो दबाव देने के दो सिद्धांत है, एक तो दर्द होता है बहुत एक्यूट, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, लेकिन एक दर्द होता है वो सुन्न होने लगता है। जहाँ सुन्न होना है जिसको हम कहेंगे, तो इसका अर्थ है ऊर्जा घटी है, और जहाँ सूजन आती है तो उसका अर्थ है ऊर्जा बढ़ी है। तो जब ऊर्जा को घटाना हो, ऊर्जा को घटाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज हम प्रेशर देंगे, और जब ऊर्जा को बढ़ाना हो तो अपने क्लॉकवाइज, यानी वह ऊर्जा को बढ़ाने का उपयोग है। अब ये लगते सामान्य से हैं कि हाथ पर भी होती है, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा चमत्कारी एक तरह से इसका परिणाम है। अब ये कब जुड़ेगी? ये हमारी प्राण शक्ति, अपने इस प्राण शक्ति को ठीक प्रकार से बढ़ाने के लिए। तो जब 10-15 दिन का कोई विकार हो तो हाथ पूरे हाथ पर देखें, ऐसे ही हाथ के समान पांव हैं, और जब ये साल दो साल का हो तो एक अंगुली पर, और बहुत लंबा दीर्घ जिसका हो वहाँ पर पूरे पोर पर। तो इतने समय में मैंने कुछ एक विषय को आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। अभी आपके कुछ प्रश्न भी होंगे,
उन प्रश्नों को भी मैं चाहूँगा कि आगे जो समय हमारे पास शेष है उसमें हम देखेंगे। अभी एक प्रश्न आया है नीलम जी का कि हेडेक के एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ हैं। अब हेडेक पर वो डिटेल से जाएं तो अलग अलग प्रकार का है। सामान्य रूप से सिर दर्द जो है वो किस कारण से हो रहा है, अगर उसको हमने ठीक प्रकार से देख लिया तो इसका पॉइंट जैसे हम कहें पूरा, जैसे मैंने बताया अभी केवल 10-15 दिन हुए हों तो हमारे सिर के पॉइंट यहाँ पर है। अब हेडेक कैसा है, किसी का आधा सीसी होता है, किसी का पूरा दर्द होता है, किसी का वो तीखा दर्द होता है, उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट को हमने अलग अलग प्रकार से कैसे उनको देखना करना। सामान्य रूप से अंगूठे के पीछे, अंगूठे के टिप्स पर और दोनों तरफ ये प्रेशर अगर हम देंगे तो बहुत अच्छा आराम हम अनुभव करेंगे, हमको आराम लग रहा है। तो जो प्रेशर पॉइंट जो हेडेक का यहाँ पर अपने कर सकते हैं, अभी कौन से हाथ में, देखिए दोनों हाथों में अपने ये पॉइंट होते हैं, दोनों हाथों में हमको प्रेशर देना चाहिए। मान लो हेडेक है तो इस अंगूठे को भी दबाव दिया और इस अंगूठे को भी दबाव दिया, आप अनुभव करेंगे कि बहुत बहुत आराम मिलता है। और मैं तो इसका खुद 10-15 वर्षों से अभ्यास किया है, इस पर बहुत अच्छा आराम मिलता है। और एक्यूप्रेशर के साथ साथ अगर आप अपने इस प्राण शक्ति को बढ़ाने की विधा जान गए तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। आपने पूछा है किडनी का एक्यूप्रेशर कहाँ है, किडनी का एक्यूप्रेशर देखिए अभी थोड़े दिनों की बात है अगर तो दोनों पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और मान लीजिए बहुत लंबे समय से दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर ये किडनी के पॉइंट हैं। मान लो 5 साल से या 2 साल से ज़्यादा अगर दिक्कत है तो फिर आपके पॉइंट यहाँ पर होंगे, ये किडनी के पॉइंट हैं। तो आपने पूछा कैंसर पेशेंट को कौन सा पॉइंट दबाने से फ़ायदा मिलेगा। देखिए कैंसर एक ऐसा रोग है जो अपने कोशिकाओं के बहुत एक यूँ कहें कि बढ़ने के कारण से जो अकस्मात बढ़ती जाती है, जो विजातीय द्रव्य को लेकर के बैठिए, तो कहाँ है कैंसर, कौन सा है उस कैंसर को लेकर के, यह एक्यूप्रेशर उसका एक उस कैंसर के होने वाले दर्द से निवारण करने का एक माध्यम हो सकता है। अब किस प्रकार का कैंसर है वो हमको देखना पड़ेगा। अभी संदीप जी कह रहे हैं प्राणी हीलर बनने के लिए कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। विश्व प्राण इसके संस्थान है अभी भारत में, अभी मास्टर चौकोक्सोई की भी अनेक संस्थान है यहाँ पर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी जो हमने पढ़ा तो उस समय स्वर्णकला मैडम जी थे तो उन्होंने मार्गदर्शन मिला। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में भी प्राण चिकित्सा का कोर्स है वो हम कर सकते हैं। और हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके सर्टिफाई जो है वो आप विश्वविद्यालयों में, जैसे मुझे वहाँ का ध्यान है और ऐसे संस्थानों का, आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब 2-3 चीज़ें इन्होंने पूछा है कि हार्ट ब्लॉकेज में कौन से पॉइंट्स दबाने चाहिए। हार्ट ब्लॉकेज जो होता है वो हमारे जीवनचर्या में बहुत सारे ऐसे खान पान के कारण या बहुत सारे अवरोध हैं जिनके कारण हो सकता है, तो सामान्यतः हृदय का स्थल ये है। जब हम हृदय की चिकित्सा प्राण चिकित्सा में करेंगे तो ध्यान करना, जब वो ऊर्जा है हृदय हुआ, आँखें हुई, ये बहुत संवेदनशील होते हैं, सीधे इन पर प्राण शक्ति का हम प्रभाव या जो कहे उपचार नहीं करते। तो जैसे वो मैंने 11 चक्र बताए अपने क्राउन चक्र से लेकर के और लास्ट में बेसिक चक्र तक, ऐसे ही हृदय के जो है एक हमारा अग्रिम हृदय और पश्च हृदय, तो पश्च हृदय पर प्राण शक्ति का प्रभाव प्राणिक हीलिंग में और एक्यूप्रेशर पॉइंट में यहाँ जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाने के, जिसको हम कहें कि मर्म बिंदु भी होते हैं, उन मर्म बिंदुओं को एक यहाँ पर अपने कलाई से लेकर कोहनी तक के बीच में मध्य जो बिंदु है उस पर प्रेशर देना, और
इसके साथ साथ एक प्रयोग और हो सकता है, वह मुद्रा का है। अब हृदय की बात आई तो थोड़ा मुद्रा का ज्ञान था। ये मृत संजीवनी मुद्रा जिसको हम कहेंगे अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा का उपयोग करने से हृदय में बहुत अधिक ये एक्यूप्रेशर विधा भी उसको बढ़ाएगी, ठीक करेगी, और ये मुद्रा भी उसको ठीक करेगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट दिन में हम 2-3 बार दे सकते हैं, एक बार में 2 मिनट तक, यानी 10 से 15 बार, एक बार में 10-15 बार इसको पॉइंट दिया, फिर दोपहर में शाम को ऐसा भी हम दे सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन भी हम इसको दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर का कोर्स जो है वो वर्तमान में भी और इलाहाबाद के भी संस्थान करवा रहे हैं, अपने जो यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय वहाँ पर भी ये वैकल्पिक चिकित्सा की उस डिप्लोमा में हमको करवाया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जितना मुझे ध्यान में था, जैसा मैं बता पाया, कुछ एक अगर उसमें कुछ त्रुटि रही हो तो आप क्षमा करिएगा, बाकी जितना मेरे ध्यान में था इसको और अधिक गहरे, ये केवल सामान्य सी बातें बताई मैंने, बहुत अधिक गहराई में उतरने वाली बातें हमने नहीं की। और हम सोचते हैं कि चाहते हैं कि इस वैकल्पिक विषयों को लेकर के हम शोध करें और अधिक गहराई तक उतरें, और जो हम कर सकते हैं कि एक ऐसा समूह निर्माण हो कि जो बहुत महंगी चिकित्सा विधियां जो है उनसे छुटकारा मिले, और हमारी जो प्राचीन विधियां हैं उनको हम ठीक नए तरीके से संवार करके सामने रख सकें, इतना मेरा निवेदन है। तो अपने कपिल जी के पास से इस पर नंबर भी मिल जाएगा, इस विषय में और अधिक व्यक्तिगत अगर पूछना हो तो आप सब पूछ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज का विषय इतना ही है, पुनः प्रज्ञा योग अलायंस के बहन जी को, कपिल जी को, मृत्युंजय जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप इस प्रकार जुड़े रहेंगे। फिर कभी अगर समय मिला फिर पुनः वापस आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट तक हम कर सकते हैं, अभी एक प्रश्न मैंने पूछा, तो मैं चाह रहा हूँ कपिल जी एक बार कहें ठीक है, कोई और केवल किसी रोग को लेकर के आपका प्रश्न हो तो अभी थोड़ा समय है हमारे पास, बात कर सकते हैं किसी विकार को लेकर के।